दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होने के उपाय के बारे में। संतान की प्राप्ति होना या बच्चा पैदा होने के लिए एक बहुत ही आसान सा मैं उपाय लेके आई हूँ आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त नीता, मेरे चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करिए और इसके बाजू में बने हुए घंटी या बेल के निशान को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ये एकदम निःशुल्क है यानी फ्री है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का विषय, निसंतान दंपति यानी जिनके कोई बच्चा नहीं हो रहा है उन लोगों को बच्चा कैसे हो। दोस्तों कई सारे आजकल ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि पति पत्नी दोनों में ही कोई भी खराबी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बट फिर भी लोगों को पुत्र या फिर बच्चों की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें कोई संतान नहीं हो रही है। तो मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे बोला था कि उनकी शादी को करीबन 3 साल हो गए हैं, उन्हें भी अपने घर में बच्चा या नन्ना मुन्ना चाहिए, तो वो किस तरह से प्रेग्नेंट हो, मैं कोई ऐसा उपाय बताऊं जिससे कि उनको भी बच्चे की प्राप्ति हो पाए या उनके यहाँ संतान पैदा हो पाए। दोस्तों मैं एक इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब आप किसी चीज को मन से दुआ करते हो या किसी चीज के बारे में आप मन से कामना करते हो तो जरूर भगवान आपको वो आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो उपाय है ये भगवान शिव का उपाय है। श्रावण मास आने ही वाला है, श्रावण मास में कई सारे उपाय करे जाते हैं पर ये भगवान शिव का एक बहुत ही अद्भुत उपाय है। देखिए जिन लोगों के पास संतान नहीं है उन्हें ये उपाय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं आज ये उपाय बता रही हूँ। दोस्तों अगर आप पूरी तरह से एकदम स्वस्थ हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ या स्त्री पुरुष एकदम स्वस्थ हैं, फिर भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस उपाय को करने से मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आपने पूरी श्रद्धा भाव के साथ ये उपाय करा है तो ये उपाय से आपको जरूर बच्चे की प्राप्ति हो पाएगी या आपके यहाँ एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जरूर पैदा होगा। दोस्तों ये इस उपाय के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस उपाय के लिए आपको बेलपत्री लेनी है, यानी बेलपत्री का ये एक छोटा सा उपाय है। भगवान शिव को बेलपत्री बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शिव जी को बेलपत्री इसलिए प्रिय है क्योंकि बेलपत्री की पत्तियां, तना, शाखाएं, फल या जड़ कोई भी भाग ले लें आप दोस्तों, इसके अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। बेलपत्री में भरपूर मात्रा में टैनिन, फास्फोरस, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, लोहा और बहुत सारे खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है। आज का ये जो उपाय है ये बेलपत्री की पत्ती का उपाय है। तो बेलपत्री की पत्ती जो होती है वो हमारे शरीर की ठंड को या कफ का नाश करती है। कई बार आपके शरीर में इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि आप उसके कारण गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं या आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों भगवान शिव की जो प्रार्थना करने से हमें फल मिलता है वो तो बहुत अद्भुत ही है। आप सब शिव जी की शक्तियों के बारे में भली भांति जानते हैं तो यहाँ मुझे उनका कोई विस्तार या विवरण देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको उपाय बता देती हूँ। उपाय बहुत ही आसान सा है। ये उपाय दोस्तों आपको कब करना है? सबसे पहले ये उपाय आपको हर सोमवार को करना है। कब करना है? हर सोमवार को करना है। दोस्तों आपको सोमवार के दिन जो भी पति पत्नी है कैसे करना है, ये नंबर दो है। कैसे करना है? आपको पति पत्नी दोनों को प्रेम पूर्वक एक शिव जी के मंदिर में जाना है जहाँ की शिवलिंग हो। आपको शिव जी के मंदिर में जाकर दोनों को वहां पे शिव जी पे जल चढ़ाना है। शिव जी पे जल चढ़ाने के बाद वहां पे जो शिवलिंग पे बेल के पत्ते चढ़े होते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली काफी सारे वहां पे बेल के पत्ते शिवलिंग के ऊपर चढ़े रहते हैं, उसमें से आपको एक पत्ते को लेके अपने घर पे आ जाना है। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है और पूजा में थोड़ी देर मंदिर में बैठना है। वहां पर आप भगवान शिव से और पार्वती से अपनी मनोकामना बोलें कि भगवान शिव या माँ पार्वती हमें निसंतान है, हमें अगर आप बच्चा देंगे तो हम आपके लिए इस तरह का प्रसाद बोल रहे हैं। भगवान के लिए आप कोई ऐसी मन्नत रखें जिसे कि आप बाद में जाके पूरा कर पाए। आपको भगवान के लिए थोड़ा सा जो भी आपकी खुशी हो, जो आप अपनी खुशी से करना चाहें वो प्रसाद जरूर बोलें। इस उपाय को आप करें, फिर आप जब घर आएंगे तो जो आप बेलपत्री का एक पत्ता घर लेके आए हैं उस पत्ते को घर पे लाके जो स्त्री माँ बनना चाहती है या जो औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है वो उस बेलपत्री के पत्ते को चबा चबा कर अच्छे से खाएंगी और उस बेलपत्री के पत्ते को खाने के बाद आप उस पे गाय का दूध, आधा ग्लास दूध या एक ग्लास दूध, आप जितना भी दूध पीना चाहें आप थोड़ा सा दूध पी लें।
भगवान ने चाहा अगर आपने ये उपाय हर सोमवार करा और भगवान ने चाहा तो 40 दिनों के अंदर अंदर आपको बच्चे की प्राप्ति होने के यानी शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आप 40 दिनों के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए। ये उम्मीद करती हूँ मेरे भाई बहन जिन्हें माता पिता बनने का अभी तक सुख नहीं मिला है, वो अगर इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो उनके यहाँ भी बच्चा और या फिर शिशु का जरूर जन्म होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा बच्चे पैदा करने का तरीका या बच्चे पैदा करने का एक उपाय है या प्रेग्नेंट होने का उपाय है जो मैंने आपको बताया है। आपके आसपास जो भी इस तरह के निसंतान लोग हों आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने उपाय बताया है ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे करना बहुत आसान है, इसमें कोई खर्चा नहीं आ रहा। उम्मीद करती हूँ जब आप इस उपाय को करेंगी तो सिर्फ 40 दिन के अंदर आपके घर में खुशखबरी आएगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट को जरूर देखिएगा और वहां पे उस लिंक को क्लिक करके मेरे सभी वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।